हेलो एवरीवन, मैं अवरीश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अवनी सर पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। केस है, यदि परसेंटेज वैल्यू निकालना हो। इस केस को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों का 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं जबकि लड़कियों का 17% स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते। तो बताएं विद्यालय में कितने परसेंट विद्यार्थी स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं? लड़कों का 75%, मतलब जितने लड़के हैं उसमें से 75% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है और लड़कियों में 17% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लड़कियों का 17% है, ये ध्यान रखिएगा। तो 17% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो कितने परसेंट लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती होगी? तो 100 में से 17 माइनस कर देंगे, 83% आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टोटल कितने परसेंट विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो लेट कर लेते हैं कि टोटल एक्स परसेंट को स्कॉलरशिप प्राप्त होती होगी। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन। रेशियो 5:3 है, तो ये 5:3 का मतलब ये नहीं है कि 5 ही लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है। 50 और 30 भी हो सकती है, मतलब उन दोनों का अनुपात 5 और 3 है। तो इस अनुपात से ही हम लोग खेल स्टार्ट करते हैं। खेल ये है कि 5 लड़के मान लेते हैं और 3 लड़कियां मान लेते हैं, टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, 5 में 75%, मतलब 75 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 में से 83% 83 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा क्या बन जाएगा? X, मतलब 100% बन जाएगा। तो परसेंटेज दोनों साइड था इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा हुआ है ट्रिक में। ये ट्रिक क्या है, बेसिक मेथड है, ट्रिक तो उसके बाद आएगी। 8 × x करते हैं, बाकी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही आपका परसेंटेज होगा, 78%। इसके बाद मैं एक ट्रिक जो इसके बेस पे लाया हूँ, उस ट्रिक वो ट्रिक इतनी आसान है, इतनी आसान है कि आप देखेंगे तो आप इस बेसिक मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। देखते हैं ट्रिक है। ट्रिक है कि आप ऊपर अनुपात लिखिए, दोनों का ऊपर अनुपात लिखते हैं 5:3। फिर एक साइड लड़के हैं एक साइड लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, लड़कों में कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है? तो लड़कों के नीचे लिखते हैं 75। लड़कियों में कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है? तो लड़कियों के नीचे लिखते हैं 83। क्रॉस बना लेते हैं और क्रॉस जिससे जो क्रॉस रिलेशन बना है उस क्रॉस रिलेशन में जो कम वाले वैल्यू हैं, जो वैल्यू कम है उनको जोड़ेंगे और जो वैल्यू ज़्यादा है उसको घटाएंगे। आप कम वाले से भी आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा वाले से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कम कम कौन है? 75 नीचे कम है, ऊपर 3 कम है, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 78 आएगा, वही आंसर। या ज़्यादा वालों को ऐड कर लेते हैं, सॉरी माइनस कर लेते हैं, वही आंसर। 83 में से 5 माइनस कर देंगे तो 78 आ जाएगा। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं लाया हूँ, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों का 40%, लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी नहीं बोलते हैं? इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इसमें उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था कि लड़कियां में निगेटिव दिया था, लड़कियों के लिए परसेंटेज निगेटिव में था, इसलिए उसको हमने पहले 100 से माइनस किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी हिंदी नहीं बोलते हैं, तो पहले हम हिंदी बोलने वाले निकालेंगे, फिर उसको 100 से माइनस करेंगे तो आएगा हिंदी नहीं बोलने वाले। समझ रहे हैं? तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करिए, फिर वीडियो आगे देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। एक साइड वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 3:2 और नीचे 40 और 45 लिख लिया। फिर क्रॉस में इनको कम वालों को ऐड करेंगे, ज़्यादा वालों को माइनस करेंगे। देख लीजिए 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, 45 में 3 माइनस कर देंगे तो 42 आ जाएगा। चाहे जैसे निकाल सकते हैं, ज़्यादा से भी निकाल सकते हैं कम से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज आपका इतना ही आएगा। ये आए हैं हिंदी बोलने वाले, और चाहिए क्या? हिंदी ना बोलने वाले, नहीं बोलने वाले।
100 से उसको माइनस कर देंगे। आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ, परसेंटेज का मैंने थोड़ा सा बेसिक नहीं बताया था पहले, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई भी वस्तु है, अगर उसका आधा पार्ट अलग कर दिया है तो वो जो अलग हुआ पार्ट है वो भी 50% है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी 50% है। ये तो मैंने आधे की बात बताई, लेकिन कोई भी चीज को अगर आप टुकड़ों में तोड़ेंगे उसके बाद फिर ऐड करेंगे तो वो फिर से 100% हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि तोड़ी हुई चीज को परसेंट में ना लिख के उसको वैल्यू में लिख देते हैं, और बची हुई चीज को देते हैं कि ये इतने परसेंट है। जैसे हमने कहा कि 100 रुपये में 100 रुपये में 40% घटा दिया तो हमारा 60 बचा है, तो 40% घटाने पर 60 बचा है, तो इसका मतलब 60 जो है 60% होगा। आप समझ रहे हैं, इसको जरा फील करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो परसेंट पे बनी हुई हैं। हर चीज़ में परसेंट है, रेशियो भी परसेंट है। अगर आप 1/10 लिखते हैं तो ये रेशियो वैल्यू हो गई, लेकिन अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10% हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 10% 1/10 रेशियो में ये दोनों एक ही वैल्यू है। यानी मैंने उस दिन वीडियो में बोला था कि कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज और रेशियो से सॉल्व हो सकता है, चाहे वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी की आयु से, किस रेल पे क्वेश्चन आता है कि कितनी देर में क्रॉस हो गई, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो आप परसेंटेज और रेशियो से लगा सकते हैं। नेक्स्ट, होमवर्क के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है। जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन भी दिया करूँ आपको। अगर आप कहेंगे तो ऑप्शन ला दूंगा। इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को नोट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और आज मैंने कैलकुलेशन बेस पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, बेसिक मेथड पे। शायद इसमें आपको जितनी ट्रिक्स पढ़ाई हो वो ना अप्लाई हो, लेकिन आप क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा घातांक और करणी से रिलेटेड है। इसमें आपको वर्गमूल घनमूल निकालना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आता हूँ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे, जो पिछले वीडियो में मैंने दिए थे। एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रभाव होगा, मतलब कमी या अधिकता होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव मैट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे 12% की वृद्धि हो रही है तो प्लस, और 10% की कमी हो रही है तो माइनस। 12 प्लस का था, 10 माइनस का था, तो 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बीच में भी माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0.8% की वृद्धि होगी, क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आया है इसलिए वृद्धि होगी, आंसर माइनस में आता तो कमी होती। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धगोला के व्यास में 25% की वृद्धि कर दी जाए, अर्धगोले के व्यास में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2x प्लस या माइनस x² / 100, उससे लगाएंगे वृद्धि होगी तो प्लस, नहीं तो माइनस। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यदि y का 90% x हो तो x का कितने परसेंट y होगा। तो y का 90% बोला गया है, तो y इंटू 90/100 इज इक्वल टू x। 90/100 को हम काट सकते हैं 0, 0, तो 9/10 बचेगा। 10 जब दूसरी साइड जाएगा, जब राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10/9 आ गया। इसको ये जो वैल्यू आई है ये परसेंटेज में नहीं है, ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को छोड़ दीजिए आप, x का परसेंटेज बताना है ना, तो x का वर्ड समझिएगा, x का कितना परसेंट है, तो x का मतलब मल्टीप्लाई, तो x को छोड़ दीजिए, जो बची हुई वैल्यू है उसको कैलकुलेट करिए, उसका जो आंसर आएगा 111.1%, ये आ गया आंसर आपका। ना समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं इसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। इसके कई सारे तरीके हैं। प्रीवियस वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी, उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, a का 20%, b का 25%,
बराबर है, उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है, सेम उसी तरह सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट 12 सेकंड एक घंटे का कितना परसेंट है। तो जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों की बेस वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, या तो आपको दोनों साइड सेकंड में बदलना होगा या दोनों साइड मिनट में बदलना होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को मिनट में बदल के सॉल्व किया है, तो आप चाहें तो सेकंड में बदल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक मिनट 12 सेकंड, 12 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिया तो 12 से कट जाएगी, तो 1/5 आएगा, तो मिनट ऐड हो जाएगा, 1+1/5 ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आ जाएगा 6/5 मिनट। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, आप सभी को पता होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, दोस्तों को जरूर दिखाएं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को परसेंटेज निकालने के लिए किसका पूछा गया है, 6/5 को पूछा गया है, जब भी 6/5 निकाला ऊपर मिनट, किसके बेस पे पूछा गया है, 60 बेस पे पूछा गया है, मल्टीप्लाई 100 कर दिए, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, सोहन का धन मोहन के धन से कितना परसेंट कम होगा। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने फॉर्मूला बताया था, x/100+x × 100, उससे लगा सकते हैं, 20 अधिक है तो 20 ऊपर रख लिया और नीचे 20 ऐड कर दिया, 120 हो गया, × 100 कर दिया, सॉल्व हो जाएगा आंसर। लेकिन मैंने इस लास्ट में, पहले वीडियो के लास्ट में एक फार्मूला की ट्रिक बताई थी कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे 20% की वृद्धि हुई, आप देख सकते हैं ट्रिक में, 20% की वृद्धि हुई, 16 सही 2/3 की कमी हो जाएगी, या प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% हिंदू हैं, 16% मुसलमान हैं, 3% सिख हैं और शेष ईसाई हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर एक घर में या एक स्कूल में आपको पता हो टोटल बच्चे इतने हैं, और कहा जाए कि लड़के इतने हैं, तो लड़कियां आप बता देंगे माइनस करके, तो वैसे ही है, 72, 16, 3, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर आएगा 91, तो 91 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9%, यानी ईसाई कितने हैं, 9%। तो ईसाइयों की संख्या निकाल ली है, 9/100 करके और 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थियों में सिर्फ 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में और शेष छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब केवल 5 विद्यार्थी हैं जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं, बाकी सब फर्स्ट आते हैं, तो बताइए फर्स्ट में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की क्या प्रतिशत होगा, फर्स्ट में कितने आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जब 60 में से 5 सेकंड आ रहे हैं तो 55 फर्स्ट आएंगे, जब 55 फर्स्ट आएंगे तो 55 का परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 91 सही 2/3% आ जाएगा। आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो इससे अच्छी अच्छी और सी ट्रिक्स और अच्छी अच्छी ट्रिक्स की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।